और गाड़ी हमारी बक्सर से खुल चुकी है। देखिए यहाँ से गाड़ी हमारी पटना दानापुर के लिए प्रस्थान कर चुकी है। दोस्तों वाराणसी का दूसरा सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन जिसका नाम है काशी, यहाँ पे मिला है भुंजा। 5 किलोमीटर आ रहे हैं अभी, गेट का है खोल रहे हैं। देखिए 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 क्या हो रहा है। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा ट्रेन जर्नी होगा 12356 अर्चना एक्सप्रेस का, जो कि जम्मू तवी और पटना के बीच चलती है। वैसे अभी हम लोग हैं वाराणसी के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे और यहीं से जर्नी को शुरुआत करते हैं। तो बता दूं, इस गाड़ी को खुलने में मात्र 4 मिनट का समय है। जो सीट मिलेगा उसी में बैठ जाएंगे, स्लीपर हो, एसी हो या कुछ भी हो, पैंटी कोच। और यहां से स्लीपर स्टार्ट होता है, तो स्लीपर में सीट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो और अच्छी बात है। नहीं मिलेगा तो एसी चलेगा, एसी वाला। तो स्लीपर पूरा तरह से भरा हुआ था, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अब थर्ड एसी में। तो हम लोग आज इसी कोच में सफर करेंगे, B1 थर्ड एसी, देख सकते हैं थर्ड टीयर एसी, थ्री टीयर है, इसी में सफर करेंगे आज। फाइनली समय हो रहे हैं 6:45 और हमारी अर्चना एक्सप्रेस खुल चुकी है। ये होता है रियल टाइम पे बोर्डिंग और खुलना और लगना गाड़ी का। और हम लोग अपना ड्रेस चेंज कर लिए हैं और पुनः गाड़ी का रफ्तार देख सकते हैं क्या रफ्तार है। दोस्तों कभी कभी जो सफ़र होता है ना, वो बिना टिकट के भी मज़ेदार हो जाता है, बस थोड़ा सा हिम्मत होना चाहिए। जैसे कि हम 3 लोग थे और 2 लोगों का हिम्मत ही नहीं काम कर रहा है, बोला भाई हम नहीं जाएंगे। हम बोले भाई हमें ना चलो यार, इतना दूर जाना है, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट गलत है तो है। वैसे देख लीजिए ये बनारस शहर का कुछ गाँव का कुछ ऐसा व्यू है। नीचे से भी एक लाइन जा रही है, देखिए। अब ये कौन सा रेलवे स्टेशन है मेरे को नहीं आइडिया है, बट कितना अच्छा व्यू है देखिए। पाँच किलोमीटर चलने के बाद हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है काशी, जहां से आप लोग नमो घाट जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और पे जो है कि स्टेशन ये गाड़ी का हॉल्ट नहीं है, लेकिन टेक्निकल हॉल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि आगे जो है कि डबल डेकर पुल है जहाँ पे ट्रेन भी चलता है गाड़ी भी चलता है, तो उसमें जो कि सिस्टम बना हुआ है, एक गाड़ी जाएगा एक गाड़ी ऐसा कुछ है, इसलिए गाड़ी को यहाँ पे रोका जाता है। और गाड़ी आ रही है, ठीक है, इसलिए गाड़ी को रोक दिया गया है। देखिए जनरल क्लास का हाल देख लीजिए भाई, ये हाल है जनरल क्लास के, बाप रे बाप। देखिए हो भाई, देखिए कितना लोग भरे हुए हैं। और फाइनली गाइस 5 मिनट रुकने के बाद हमारी गाड़ी अर्चना एक्सप्रेस खुल चुकी है काशी से, और काशी का ये प्लेटफॉर्म संख्या 3 है जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी थी 5 मिनट के लिए। वैसे यहाँ पे हॉल्ट नहीं छोड़ रहा है, लेकिन टेक्निकल हॉल्ट था, मैंने बोला आपको। चलिए आपको दिखाते हैं गंगा ब्रिज जहाँ से गाड़ी अभी गुजरेगी, और कितना भव्य लुक होगा देखेगा आप। जय हो बाबा काशी विश्वनाथ। ये देखिए काशी, हर हर महादेव, जय गंगा मैया। और ये नज़ारा क्या, ऐसा हमारा पटना में भी है, लेकिन ऐसा मज़ा नहीं आता है जो यहाँ पे फील आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखिए 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 यहाँ पे सब, और यहाँ से घाट समाप्त होता है देखिए वाराणसी का। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको, तो आप लोग वीडियो बनाए तो सावधान रहे, कभी भी लिपट सकता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बना हुआ है देखिए दोस्तों।
और इसी खूबसूरती के साथ ये ब्रिज, गंगा ब्रिज समाप्त होती है। और अब हम लोग आ चुके हैं गंगा ब्रिज से बाहर। पढ़ सकते हैं कुछ हाइलाइट्स लिखा हुआ है गंगा ब्रिज के बारे में जूम करके। भूख भी लगा हुआ है जोर से भाई, तो कुछ तो खाना बनता है ना, तो अभी हम लोग केक खाएंगे। भैया कॉफी, कॉफी कॉफी मिलेगा? कॉफी लिखा जाए 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसको DDU बोलते हैं। और यहाँ पे 10 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी। और चलिए दिखाते हैं आपको प्लेटफॉर्म संख्या 2 कैसा है। ऐसा है प्लेटफॉर्म संख्या 2, देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। और इस तरफ का व्यू देख लीजिए आप लोग, कुछ ऐसा व्यू है। और पानी निकल के बंद हो चुका है। इस चीज़ का प्राइस 10 होता है, यहाँ स्टेशन में 15 लिखा हुआ रहता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे लिया जाता है। और यही स्टेशन है, हर स्टेशन का यही सिचुएशन है। इसके लिए आपको ऊपर चढ़ के और उधर जाना पड़ेगा, उधर है 1 नंबर प्लेटफॉर्म देखिए, और ये 2 है, और ये 3 नंबर है जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी हुई है, 3 नंबर पे रुकी। और गाड़ी जो है अर्चना एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 5:50 में अपने निर्धारित समय के साथ 1 मिनट भी लेट नहीं है पंडित दीनदयाल के प्लेटफॉर्म संख्या 3 से खुल चुकी है दोस्तों। यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा बक्सर, जहाँ पे गाड़ी हमारी चलने के बाद रुकेगी। नेक्स्ट स्टेशन बक्सर ही है, उसके बाद आरा है, दानापुर है, फिर पटना है। अरे भैया 5 किलोमीटर आ रहे हैं अभी, गेट कहाँ खोल रहे हैं, ठंडा ना लग जाएगा? देखिए 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 क्या हो रहा है। ओ भैया ठंडा मरवा दीजिएगा सबको ऐसे में। उतरिए उतरिए, गाड़ी बक्सर में रुक चुकी है देखिए, और लोग सब उतर रहे हैं। और गाड़ी हमारी बक्सर से खुल चुकी है देखिए अपने निर्धारित समय से। और ये है बक्सर का प्लेटफॉर्म संख्या 1, जहाँ से गाड़ी हमारी पटना दानापुर के लिए प्रस्थान कर चुकी है दोस्तों। ये है बक्सर भैया। और गाड़ी पहुंच चुकी है आरा जंक्शन, जहाँ पे गाड़ी 10 मिनट के रुकेगी, 5 मिनट के लिए ना, 5 मिनट के रुकेगी। और गाड़ी देखिए पूरा खाली हो चुका है, और जब तक हम लोग सोचे कि उतरेंगे, लेकिन तब तक गाड़ी खुल चुकी है आरा जंक्शन से। बोलता मार ले है। बाथरूम से निकल के वो बाथरूम में घुस गया, लगता कहीं पीजी समझ के डर तो नहीं गया, बाथरूम से घुस के वो बाथरूम में घुस गया, बताइए। देखिए ट्रेन में शिखर बिक रहा है, शिखर। गाड़ी का समय हो चुका है दानापुर में रुकने का, समय हो रहे हैं 8:16, और हमारी गाड़ी रुक चुकी है दानापुर। और दानापुर का प्लेटफॉर्म संख्या 1 है, जहाँ पे 5 मिनट के लिए गाड़ी रुकी है, और यहाँ से खुलेगी डायरेक्ट पटना के लिए, जो कि 20 मिनट का और सफर होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसा होता है सफर। समय से गाड़ी हमारी दानापुर के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुल चुकी है, और रवाना हो रही है पटना जंक्शन के लिए। और ये देख लीजिए दानापुर का भी एक बार व्यू आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए।
मत जैकेट पहनने दे, सेम टू सेम ऐसे मांग ले, सफाई मत कर। 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं, 1.5 लाख लग रहा है। अभी ये देखिए भैया, 1.5 लाख रुपए लग रहा है, ठीक। 1,25,000 रुपए जुटाना है, 1,25,000 रुपए भैया जुटाना है। दिखाते 1,25,000 किधर है, 1,25,000 किधर है? अरे भाई तुझे बैंक में रखे अभी ग्रामीण में। पूरा उठा लो, पूरी ले करते हम पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं हम लोग, चलिए उतरते हैं। नेमार हो, छोड़ 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 चलिए गाइस, पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं और पटना जंक्शन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसी लगी अर्चना एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी बनारस टू पटना जंक्शन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। देखिए यहाँ भी चेक इन होता है, बच के रहिएगा। पटना जंक्शन पर से पटना जंक्शन पर बिना टिकट धराए